यही सेम मोटर आपको हीरो another amazing video of road rash rishabh and here is the hero zoom in pearl silver white color. वैसे तो पांच कलर आते हैं, this is the pearl silver white color is right over here and कुछ कलर्स के ऊपर बता देते हैं. तो एक मैट एब्रेक्स ऑरेंज आता है, पर्ल सिल्वर व्हाइट कलर तो मेरे सामने खड़ा है, एक ब्लैक कलर है, एक पोलिस्टर ब्लू कलर है और एक स्पोर्ट्स रेड है. तो इतने कुछ कलर्स पांच कलर्स में आती है. एलेक्स वेरियंट में सिर्फ आपको एक कलर देखने को मिलेगा, बाकी वी एक्स और जेड एक्स में आपको सारे कलर्स पांचों कलर्स देखने को मिल जाएंगे. दिस इज द वी एक्स वेरियंट, एक्चुअली टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, सेकंड टॉप वेरियंट है जो कि यहाँ पे मेरे सामने है. एंड द कलर इज लुकिंग क्वाइट नाइस, बट ब्लैक मुझको एक बार देखना था. ब्लैक में काफ़ी ज़्यादा मुझे गाड़ियाँ पसंद है, ब्लैक या तो ब्लू, वो भी वो वाला ब्लू थोड़ा सा जो डार्क होता है, राइट. एनी वेज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो फ्रंट से हम लोग चालू करते हैं. तो हीरो की आइडेंटिटी को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है इसके फ्रंट पे. वैसे इसमें कॉर्नरिंग बेंडिंग लाइट्स यहाँ पे मिलती हैं जो इसमें नहीं है, वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में. जब आप कहीं कॉर्नर कर रहे होगे, वैसे तो मुश्किल है जब आप कहीं टर्न ले रहे होगे, तो इधर से वो लाइट ऑन हो जाएगी अपने आप. काफ़ी अच्छा सेंसर है ये भी. और यहाँ पे एक एयर के लिए एक रेप्लिका दिया गया है. और फ्रंट में थोड़ा सा हम लोग देखें तो यस, यहाँ पे जो DRL है वो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है. हीरो ग्लैमर में भी ऐसा कुछ DRL है, बस इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया गया है. वेल, इन फ्रंट प्रोजेक्टर लैंप्स दिख सकते हैं. तो फ्रंट लुक यहाँ से जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है. फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, इधर ग्लॉसी और मैट फिनिश में देखने को मिल रही है. यहाँ पे आपको एलॉय देखने को मिल जाते हैं. फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, तो स्टार्टिंग का वेरिएंट और सेकंड टॉप वेरिएंट में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है. बाकी जो टॉप ऑफ द लाइन है उसमें आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलती है 190mm की. वेल, यहाँ पे आपको 130mm का ड्रम देखने को मिल जाता है. 110cc, 8 HP, 8 Nm ऑफ टॉर्क. यही सेम मोटर आपको हीरो माइस्ट्रो एंड प्लेजर एक्सटेक्ट में भी देखने को मिलती है, और इसमें भी देखने को आपको वही मोटर मिल रही है. मैंने एज्यूम किया था कि मे बी 125cc में ये लॉन्च होगी, बट 125cc में नहीं लॉन्च हुई, क्योंकि मुझे कंपैरिजन चाहिए था इस स्कूटर का एंटॉर्क और एवनिस से, बट वो नहीं है. वैसे तो मैं बता दूँ इसका कंपेरिजन किससे है, आपका होंडा डियो, TVS जुपिटर, यामाहा ZR, इन सब स्कूटर से कॉम्पिटिशन है. बाकी लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है और कोशिश की गई है थोड़ा सा मैक्सी स्कूटर टाइप करने की कोशिश की गई है. और यहाँ पे अगेन जो बैक लाइट है वो भी काफ़ी यूनिक लग रही है. और है नॉर्मल हेलोजन आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, और फुट पैक आपको कुछ हिसाब का देखने को मिलती है. 770mm की सीट हाइट और 155mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है. 108kgs आपको देखने को मिल जाता है. फ्रंट इज़ ऑफ 90 सेक्शन एंड रियर वन इज़ ऑफ 100 सेक्शन, और बाकी 12 इंचज़ के अलावा साइज़ आपको तो दोनों ही देखने को मिलते हैं. इलेक्ट्रिक स्टार्ट एंड किक स्टार्ट दोनों ही आपको इसमें देखने को मिलते हैं. हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, और जूम की ब्रांडिंग यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलती है. वैसे तो सोचा था कि माइस्ट्रो जूम करके लॉन्च होगी, बट माइस्ट्रो को साइड किया गया और जूम को एक अलग रिप्रेजेंट कर दिया गया. यहाँ पे आपको सिंगल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो भी काफ़ी डिसेंट है, और स्टफ्स रखने के लिए काफ़ी अच्छी पॉकेट्स दे रखी हैं यहाँ पे, यहाँ पे. और USB चार्जिंग पोर्ट भी है इधर नीचे साइड से, तो इधर साइड में आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है. एंड की दिखा देते हैं, तो की कुछ हिसाब की है, और यहाँ पे की हम लोग लगा देते हैं. मीटर कंसोल कुछ इस हिसाब का है. इसमें आपको i3S की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, जो कि हीरो की खुद की टेक्नोलॉजी है. एंड पीछे से भी एक बार दिखा देते हैं, कुछ इस हिसाब का देखने को मिलता है. और ओवरऑल स्कूटर काफ़ी मज़ेदार लगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है. FI आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, फ्यूल इंजेक्शन आपको देखने को उसमें मिलता है, एंड 5.2 लीटर की आपको टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है. आपको अंडर सीट स्टोरेज भी दिखा देते हैं एक बार, तो काफ़ी डिसेंट स्टोरेज है. अंडर सीट स्टोरेज के लिए आपको यहाँ जाना होगा, एंड इधर ही साइड आपकी फ्यूल लिट भी आपको देखने को मिलती है. और अंडर सीट स्टोरेज में आपको एक लाइट भी देखने को मिलती है, जिसमें आपकी अगर आप रात को अपना सीट ओपन की हो तो अंदर क्या स्टफ है आप नॉर्मली देख सकते हो आराम से. हेलमेट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, टूल और फर्स्ट एड किट, डेट्स इट, इतना ही कुछ आपको देखने को मिलता है. टॉकिंग अबाउट द मीटर कंसोल, तो मीटर कंसोल दिखाते हैं एक बार. तो इस हिसाब का कुछ मीटर है,
तो यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिलता है, यहाँ लो फ्यूल इंडिकेशन, टर्न इंडिकेशन, हाई बीम फ्यू, इंजन चेक लाइट वार्निंग और I3S की लाइट भी आपको इसमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी आपको देखने को मिलता है, अगर आपकी स्टैंड लगा होगा तो आपकी स्कूटर स्टार्ट नहीं होगी। काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर होता है ये। बाकी आपको पास लाइट, लो बीम, हाई बीम, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स और हॉर्न, एंड यहाँ पे I3S के को एक्टिवेट करने के लिए बटन और यहाँ इग्निशन का बटन देखने को आपको मिलता है। वन यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक लॉकिंग भी देखने को मिल जाती है। इधर साइड पुश करेंगे तो दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पे आपका लॉक हो गया ब्रेक और यहीं पे आप ऐसे करके इसको अनलॉक भी कर सकते हो, ये भी काफ़ी सही चीज़ है। और थोड़ा सा मोड बटन दबाते हैं, यहाँ ओडोमीटर, सिंगल ट्रिप मीटर एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे टाइम, इतना ही कुछ आपको देखने को मिलता है। काफ़ी टाइनी सा मीटर है ये, सही है काफ़ी। और इस आपका कुछ स्कूटर है, एक बार साउंड भी सुनाई देते हैं। तो इस आपका कुछ साउंड है और फ्रंट में आपको दिखा देते हैं, इस आपके कुछ है तो काफ़ी सही है। और इंडिकेटर्स आपको इधर साइड देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो मैक्सी स्कूटर टाइप करने की कोशिश की गई थी और एक किल स्विच भी देते तो काफ़ी बेटर रहता, बट ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। बाकी एरोडायनेमिक पूरा करने की कोशिश की गई है, एरोडायनेमिक आपको देखने को ये मिल जाएगा, जितने भी कट्स हैं साइड में फ्रंट में वो एरोडायनेमिक करने के लिए किए गए हैं। और यहाँ पे आपको एक हुक भी देखने को मिलता है जिसमें आप अपना कैरी बैग यहाँ पे लगा के रख सकते हो, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। तो इतना ही सब कुछ इस स्कूटर में देखने को मिलता है, तो काफ़ी मज़ेदार रहा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इतना ही कुछ स्पेसिफिकेशंस था और पूरा रिव्यू था। बाकी आपको टायर ट्यूबलेस भी देखने को मिलता है, मैं ये भी बता दूँ, रेडियल नहीं देखने को मिलता है, एंड हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पे, और एक छोटी सी विंड स्क्रीन आपको इधर साइड देखने को मिलती है। मिरर की क्वालिटी भी अच्छी है, मिरर आपको कुछ आपका देखने को मिल जाता है। एंड पूरा इतना ही सा पूरा रिव्यू था इस स्कूटर के ऊपर। एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो क्या होने वाला है इस स्कूटर का प्राइस, तो ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, 89,000 ऑन रोड का। बाकी आपको स्टार्टिंग वेरिएंट और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए आके आपको यहाँ पता करने पड़ेगा। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। ये है RBS 0 कानपुर, और कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करिए और ये स्कूटर देखने के लिए। बाकी हीरो का कोई और भी प्रोडक्ट देखना है तो आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो इतनी सी थी, तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। सो वीडियो चल के तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइट सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।